जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखो। गाइस गाइस गाइस, एक खुशखबरी है। क्या? तेरा प्रमोशन हो गया? हे मामा बड़ी, मेरा प्रमोशन कैसे होगा? मैं तो जॉब भी नहीं करता ना। मैंने रिमेम्बर से गाइस, मम्मी की जॉब परमानेंट हो गई है और मम्मी को एडवांस सैलरी में 5,000 का चेक भी मिला है। ये वाओ भाभी, कांग्रेचुलेशन मम्मी। थैंक यू माय डिटी। जा नाश्ता तो खाई ले, जा वाह खेलो। अरे खुश रहो। अच्छा भाभी, आपका बैंक अकाउंट तो है ना? हाँ, बैंक अकाउंट मेरा पता नहीं, वो जॉइंट होगा। ओ, अब तो खोलना ही पड़ेगा। मेरा बैंक अकाउंट ये भी कई नौकरी छे। हाँ, इसमें पहले दिन पगार मिल गई। बोलो मम्मी, आपने कभी जॉब नहीं की ना, तो आपको समझ नहीं आएगा। दीदी तू खुश तो है ना? हाँ, बहुत खुश छू। हाँ तो अनु को शाबाश बोल। हाँ बाप, दो ना। हाँ मम्मी बोलो ना। मम्मी क्या हुआ स्वीटी? स्वीटी नहीं पाखी, और हुआ ये है कि आज स्कूल में मेरी ट्रोलिंग हुई है। अरे वाह वाह पारखी बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है कि सब लोगों के बीच में तेरी ट्रोलिंग हुई। अरे मामा बड़ी, आपको ट्रोलिंग का मतलब पता है? अब इंग्लिश में बोला है तो अच्छी चीज होगी ना है? मामा जी, ट्रोलिंग मतलब मजाक उड़ाना। ओ, पर पाखी तेरी ट्रोलिंग क्यों हुई? इनकी वजह से। मेरी वजह से? Yes, क्योंकि आप वैसे एक तो इतने ओल्ड फैशन कपड़े पहनते हो और फर्स्ट डे स्कूल में लेट आए। लो बोलो, ये ना यहाँ किसी को खुश कर पाई ना वहां किसी को। भाभी आप जॉब के फर्स्ट डे पर लेट हो गई? वो डोली बहन, घर का काम खत्म नहीं हुआ ना। अच्छा, मतलब इसमें भी हमारी गलती है। मम्मी ने ऐसा कब कहा ना, तो अभी बोलेगी ले। बेटा, सॉरी टिकरी, मेरी वजह से तेरा मजाक बनाने एक मौका दे। तेरे उन्हीं सहेलियों के सामने मैंने तेरा मान नहीं बढ़ा दिया ने, तो मेरा नाम भी अनुपमा ने एक मौका। देखा, ऐसा होता है विनर्स का एटीट्यूड। मामी फिर तो आप अपना नाम चेंज कर ही लो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप कभी ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे मैं प्राउड फील करूं। स्वीटी तू क्या बोल रही है? ये तू क्या बोल रहा है विंटर? मेरा नाम विंटर नहीं, समर है। मेरा नाम भी स्वीटी नहीं, पाखी। मत बोला कर ये सब चीजें। तू बोलता है, लड़ो मत। जा जा जी नौकरी पर। पहले दिन में क्या क्या हो गया, कहीं ये तेरे 5,000 की बहुत बड़ी कीमत ना चुकानी पड़े। कुछ गलत नहीं होगा, मैं कुछ भी गलत होने नहीं दूंगी। अरे अभी तो हंस दे, देख मैंने तेरे इतने फैशनेबल बाल बनाए। हंस दे स्वीटी। ठीक है, नहीं हंसेगी? नहीं हंसेगी? नहीं हंसेगी? नहीं हंसेगी? मम्मी स्वीटी।
मीनू बेटा चलो घर जाते हैं, तुम्हारे पापा भी आ गए होंगे। रुक जाओ ना मम्मा, अभी हम गेम खेल रहे हैं। ये आ गए। पानी लाओ जरा। समर मामा जी, मीनू आ जाओ बेटा, आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी खबर देनी है। मेरा वो 5 लाख रुपए का ईयरली इंक्रीमेंट मिला है मुझे। क्या बात है! थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस भाई, कांग्रेचुलेशंस पापा। 5 लाख! ये देख, समर, स्वीटी, जो तेरे पापा को कितना बड़ा इंक्रीमेंट, वही कितना बड़ा। कांग्रेचुलेशंस पापा। थैंक यू। अरे वाह वाह, मेरे बॉडी बिल्डर भांजे, तू तो बिल्कुल मेरे में गया है। अरे मामा, वाह वाह वाह, खूब आगे बढ़ो। थैंक गॉड भाई, इस बार आपको इंक्रीमेंट पहले ही मिल गया। इस बार ना राखी पे मैं बहुत बड़ा गिफ्ट लूंगी। ऑफ कोर्स। अरे तोशी कहाँ है? कोचिंग क्लासेस गया? हाँ पापा। और बाबूजी? अरे बाबूजी को चलो मैं उनको फोन पे बता दूंगा। अच्छा अब सब लोग अपनी अपनी लिस्ट बनाओ क्या क्या चाहिए, और अनुपमा हाँ? तुम अपने लिए सोने के कंगन बनवा लो। मुझे भी दो सोने की बंगड़ियाँ। पापा मुझे एक लैपटॉप चाहिए पर्सनल, इस विंटर के साथ शेयर नहीं करना। मामा मुझे इतना बड़ा वाला टेडी चाहिए। इतना बड़ा वाला? अच्छा चलो ठीक है। और मुझे वो 2 50 किलो वाले डंबल, जो बॉडी बनानी है ना। भाई भाई इस बार रक्षाबंधन पे सोने की अंगूठियां। पापा, हाँ? मम्मी भी आपको कुछ दिखाना चाहती है। क्या? Come on, मम्मी। कुछ नहीं, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आऊं। हाँ चाय बना दो यार, सर में बहुत दर्द है। और साथ में मीठा भी लेकर आती हूँ। लोली बे, आप भी मुंह मीठा करके जाना। जी भाभी। वाह, आप इस घर की बड़ी माँ हैं। ये मंदिर में आप ही अपने हाथ से रख दीजिए। मम्मी, हाँ? पापा, मम्मी को भी आज एडवांस सैलरी का चेक मिला है। मम्मी की पहली कमाई, आपके चेक के सामने छोटा है लेकिन मम्मी का अचीवमेंट बहुत बड़ा है।
अनुपमा चाय में थोड़ी अदरक डाल देना। चलो वनराज ये मंदिर में रख के दिया जलाते। हाँ चलो 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 ठाकुर जी। मम्मी आज नाराज मत होना समर, आज वैसे भी बहुत कुछ हुआ है। हाँ बेटा बेटा नौकरी पर पहले दिन में क्या क्या हो गया तो ये तेरे 5,000 की बहुत बड़ी कीमत ना चुकानी पड़े। अनुपमा, अनुपमा, हाँ, हाँ, ये कमीज तुमने क्यों नहीं धोई? मैं, आपको कैसे पता चला कि ये झिलमिले धोई है? अरे कितना स्टार्च है इसमें यार, कड़क हो गई है। सॉरी सॉरी एक मिनट, ये लीजिए, ये मैंने धोई है। मेरी कंपनी में आज तक किसी को इतना बड़ा इंक्रीमेंट नहीं मिला है। तो, 5 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। 5 लाख जानती हूं मुझे इतना बड़ा इंक्रीमेंट क्यों मिला? क्योंकि बड़ी जीत उसकी होती है जो बड़े सपने देखता है। कामयाबी हो तो ऐसी हो वरना ना हो। मैं आपके लिए नारियल के लड्डू बनाऊं? ना ना आज मैं कुल्फी ऑर्डर करूंगा और साथ में मीठे पान। कान्हा जी मेरे तो सपने भी छोटे हैं और जीत भी, आप उनकी फिक्र मत कीजिए, वो हो जाएगा। आप बस इनकी जीत इनके सपनों पे ध्यान दीजिए। हाँ जय श्री कृष्ण। पापा ने बुलाया और मम्मी चली आई कुल्फी खाने चली आई। मोहब्बत। चलो आप पान खाओ, कलयुग खत्म हो जाएगा बाद में खाओगी। हाँ बा। मम्मी आप मेरे बिना पान खा रही हो? नॉट फेयर। मम्मी तोशी को पान दिया मुझे भी खाना था ना। तोशी तोशी क्या लगा रखा है, आई बोला कर। पापा कंग्रेचुलेशंस। वैसे मेरी पॉकेट मनी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट तो बनता है। अरे इतना बड़ा इंक्रीमेंट ऐसे नहीं मिलता है, you have to earn it। हाँ तो अभी तोसु सब कर लेगा, बड़ा हो गया है ने। आप ऐसे क्यों स्माइल कर रहे हो? क्योंकि मुझे सब पता चल गया है। बता बता कौन है वो लड़की? कौन सी लड़की? अरे वही लड़की जिसके साथ तू ऐसे पास पास खड़ा था ना गली में। कैसी बातें कर रही हो मम्मी? आप कुछ मत कहिएगा। हाँ बोल बोल, पापा भी कुछ नहीं बोलेंगे। चल मम्मी, पापा को ऑलरेडी पता है, मैं उन्हें बता चुका हूँ। आपको पता था कि तोसु की जिंदगी में कोई लड़की है?
तो अच्छी बात है ना, सबसे पहले हम सब बड़ों को बता दिया। बा, आपको भी पता था? मम्मी, इट्स नॉट अ बिग डील। मैं आपको भी बताया, लड़की का नाम किंजल है और मैं उसे डेट कर रहा हूँ। शादी से पहले मिलने को डेटिंग कहते हैं। मम्मी, हम लोग 3 साल से रिलेशनशिप में और अब हम शादी करने वाले हैं। वाओ भाई, शादी है नॉलो? पिछले हफ्ते तोशी ने मुझे और वनराज को बता दिया था। अब हमारा प्रमोशन हो गया है, तू ससुर बनेगा। अरे बाप, प्लीज, मैं कहां से किस एंगल से ससुर लगता हूँ? बट पापा, टेक्निकली स्पीकिंग, ससुर तो आप बन गए। यू नीड टू शट अप, ओके? और मम्मी सास? अरे बट वो सास लगती है, मैं कहां से ससुर लगता हूँ यार? अरे नहीं नहीं, मेरा बॉडी बिल्डर भांजा तो अभी भी लड़का लगता है। थैंक यू भाई। लेकिन पापा को आपने बताया, मम्मी को भी बता देते ना। तुझे भी तो पता था, तू बता देता। लेकिन मुझे तो ब्रो कोड ने रोक रखा था ना। लेकिन आपने सबको बता दिया तो मम्मी और बापूजी को भी बता देते आप। समर, मुझसे अपना ज्ञान नहीं संभाला जा रहा, तू और ज्ञान न दे प्लीज। व्हाट ज्ञान भाई? समर, आज सबका मूड बहुत अच्छा है, डोंट क्रिएट अ सीन। समर सही कह रहा है वनराज। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूं। इतनी बड़ी बात तुम्हें सबसे पहले अपनी माँ को बता देनी चाहिए। तो उसी कम ऑन मम्मी, अब आप सेंटी सीन क्रिएट करके रोना धोना मत कीजिए। तू मुझे भी पहले बता देता तो मैं खुशी होती। तो तूने तो अपनी मम्मी को एकदम पराया कर दिया। हाँ, अब आप फिल्मी डायलॉग मत मारो। पर सच है ना, लड़की कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, माँ बाप कौन है? तोशी ने मुझे सब बता दिया है। मैं लड़की से मिल चुका हूँ, उसे पसंद कर चुका हूँ, फैसला ले चुका हूँ। और जब सब कुछ हो गया है तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें तो तोशी की खुशी में खुश होना चाहिए। तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना, जैसे अपने बेटे की बहू को संभाला ऐसे पोते की बहू को भी संभाल लूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।